क्या बात है, हमारी बुलबुल ने चहकना बंद किया हुआ है। कुछ भी नहीं। मेरी बातों से अपसेट तो नहीं हो जाती? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? बेटे, सब जिंदगी का हिस्सा है। इंसान कभी भी एक जगह नहीं रुकता, उसका सफर चलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक घर से दूसरे घर। लेकिन जो वक्त होता है ना, ये रफ्ता रफ्ता हर हालात में ढलने का तरीका सिखा देता है। मैं जानता हूं हारिस तुमसे बहुत प्यार करता है, खुश रखेगा तुम्हें। जी बाबा। तो चलो मुस्कुराओ। मुस्कुरा तो रही हूं। इतनी बेदिली से हर चीज नोटिस करते हैं आपकी। मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि नए घर में एडजस्ट कैसे होंगी, बस इसलिए। तुम मेरी बहादुर समझदार बेटी हो, हर हालत में हर जगह एडजस्ट कर सकती हो अपने आप को, मगर हालात के सामने झुकना नहीं है, अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिश से हालात को अपने सामने झुकाना है। अच्छा चलो, वो हारिस की अम्मी का फोन आया था, हारिस लेने के लिए आ रहा है, शॉपिंग के लिए जाना है, तैयार हो जाओ। दोबारा? अभी उस दिन तो इतनी सारी शॉपिंग की थी उन्होंने। अरे शादी की शॉपिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होती बेटा। बाबा खुद अकेली चली जाए ना, मेरे साथ जाने की क्या जरूरत है? बेटा ये तो उनका प्यार है ना, कि वो ये चाहती हैं कि तुम जो खरीदो अपनी पसंद का खरीदो। और अब तो हमारे घर की शादी की शॉपिंग भी शुरू होने वाली है, उसकी भी तैयारी करो। वो मेहमान आ रही है 2-4 रोज रुकने के लिए। वाकई? हाँ बात हुई थी। अच्छा, पप्पू का सुना तो खुशी से खिल गई है। अच्छा मैं तैयार। कहाँ है वो? कहीं नहीं, यहीं पे हूँ। वो कल मिली थी ना आपसे, जब आप ऑफिस से वापस आए थे तो आपने लिफ्ट ही नहीं करवाई। हाँ वो मैं थोड़ा लेट हो गया था, थका हुआ था तो सो गया। मुझे लग रहा था कुछ परेशान है। बिल्कुल भी नहीं, वो बस वर्कलोड ज्यादा है तो उसकी वजह से जरा थक जाता हूँ आजकल। अच्छा, लगता है बाबा ने शादी के बाद ऑफिस में टाइम देना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। रियली? जबकि मुझे तो उल्टा लग रहा है, काम ज्यादा बढ़ गया है, वो ज्यादा टाइम दे रहे पहले से। खैर एनीवेज, लेट हो जाऊंगा मैं, चेंज करने आ रहा हूं।